पंजाब कैप बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने हेड का, सिर का, जो कोई भी बना रहा है उसे अपना 20 या 21 या 22, ये तीन लेंथ होती है। अब हम इसके लिए सबसे पहले कपड़ा देख रहे हैं, ये है 7। इधर से हमारा, पहले देखिए, इधर से हमारा हो गया 4 4, 1 2 3 4। अब हमारा इधर से भी फोल्ड है और इधर से हमारा ऐसा है। इधर से हमने 17 इंच लंबाई लेंथ ली है, आपको भी 17 इंच ही लेनी है क्योंकि हमें 17 इंच का बनाना है। ये 17 इंच, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो 17 इंच लेंथ हम ले रहे हैं। और अब हम इधर से लेते हैं चौड़ाई, ये हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, 8 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब हम इधर से लेंगे 9 इंच। अब हम इसको एक बॉक्स बना देंगे, ये ऐसे। अब हम यहाँ से लेंगे 3 इंच शेप देने के लिए, और यहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे, ठीक। ये हमने ले लिया इस तरह से। अब इसको लेने के लिए यहाँ पे हम एक, जिस तरह से हम लोग मोंढे में शेप देते हैं उसी तरह से हम ये शेप दे रहे हैं, ठीक। अब इसको हम काट लेते हैं, इसको नहीं काटना है हमें, हमें इसे काटना है, ये कटिंग आएगी। हम देख सकते हैं आप लोग, हमने ये अपना कट कर लिया है। तो अभी हम इसको, ये जो हमने कट किया है इसको अभी हमें जाने नहीं देना है, इसको हम उठा जमा कर दिए। अब जो ये लेयर जो बची है, इस वाले लेयर को हम कितनी लेनी है, 1 और 2। 2 लेयर को हमें इस तरह से, अब ये देखें आप, इधर से जो शेप आ रहा है इस शेप को भी हमें काटना है, इसी शेप में काटना, गोलाई की शेप में, ठीक। थोड़ा सा और गोलाई देते हुए, हल्का सा ही शेप दीजिएगा, ज़्यादा नहीं काट दी। ये हो गई हमारी कटिंग, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसे खोला, ये हमारी इस प्रकार है, ठीक। ये कट दिख रहा है, यहाँ पे आपको कट लगाना है दोनों साइड में, और करने के बाद ये आप जो निशान देख करनी है, इसे सिलाई करनी है, पहले पूरी सिलाई लगा लेनी है, ठीक। ये पूरी आप छोड़ देना जी, ठीक। इतना ऐसे आप सिलाई लगा लीजिए, देख सकते हैं आप लोग, हमने ये सिलाई लगाई है। इसमें हम लोगों को, हमने इसमें भी सिलाई मशीन से नहीं कच्चा करा है, मेजरमेंट में। तो अब हम लोग इसे सीधा कर लेते हैं, तो हमने जो इसमें सेंटर का निशान लगाया था ये आप लोग देख सकते हैं, और हमने निशान लगाया था सेंटर का, ये देखिए। तो अब हम लोग इसका उल्टा वाला
निहिस्सा नीचे रखेंगे, सीधा वाला ऊपर रखेंगे। ये हमने ऐसे रखा, गुलाई वाला ऊपर रखेंगे, ठीक। उसके ऊपर सेंटर पे ये दो लेयर जो है वो उसे रख देंगे। फिर उसके ऊपर बाद दूसरा कपड़ा हम ऐसे रखेंगे। ध्यान रखें चारों के सेंटर मिले होने चाहिए। फिर उसके बाद इन चारों को हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। ये लिया गुलाई का। अब जिस तरह से हमने इधर सेफ्टी पिन से सिक्योर करा है, इधर भी करके हम सिलाई लगा लें। तो गाइस देखें, हमने सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं आप लोग इधर पूरे में। अब हमें इसमें कट लगाना है। अभी देखिए, हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारी कैप तैयार हो गई है, देखिए कितनी प्यारी लगेगी बनने के बाद। बहुत इजी मेथड है, इजी तरीका है, हर कोई बना सकता है। अब इसके बाद जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है उसका हमें क्या करना है, ठीक। अब हमें जितना ये कपड़ा है उससे आधे इंच से ज़्यादा इतना हमें इलास्टिक लेनी है। ये हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, ये ठीक, और यहाँ पे भी लगा लेंगे, ये देख सकते हैं आप। हमने इसमें इलास्टिक लगा ली है। इलास्टिक लगाने के बाद हम इस कपड़े को जितना ये हमारा बचा हुआ है इसे ऐसे करके इसमें सिलाई लगा।